रचना ढींगरा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चक्रपुर में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। के तहत दो स्किल्स चल रही हैं, ऑटोमोबाइल्स एंड ब्यूटी वेलनेस। जैसा कि आपको पता है आजकल के सिनेरियो में ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि शादियों में और अदर फेस्टिवल्स में लोग मेहंदी लगवाते हैं और अपने आप को तैयार करवाते हैं। नेहा मेहंदी हीना से बनता है, हीना के पत्तों से। ये हम फंक्शन और किसी फेस्टिवल में लगाते हैं और बच्चे इसमें बहुत कुछ सीखते हैं और इसमें कमाते भी बहुत अच्छा हैं। मेहंदी लगाने में एक एक बच्चे को 500 रुपये मिल जाते हैं और डेली का कम से कम 1000-2000 हर बच्चा कमा लेता है। नेल आर्ट हम हाथों के नाखूनों को सुंदर बनाने के लिए करते हैं। इसी तरह से जब वो ब्राइडल्स तैयार करते हैं तो कम से कम 30-40,000 की उनकी इनकम मंथली हो जाती है अगर बच्चा बहुत अच्छा काम करता है तो। हम फेशियल करेंगे, फेशियल हम अपवर्ड डायरेक्शन में करते हैं जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, फेस में क्लीननेस आती है और फ्रेश दिखाई देता है हमारा फेस। इसी तरह आजकल ऑटोमोबाइल्स का ट्रेंड चल रहा है और बच्चे यहाँ पे मोटरसाइकिल कैसे ठीक किया जाता है, गाड़ियाँ कैसे रिपेयर करी जाती हैं, इसके बारे में उनको बहुत कुछ सिखाया जाता है। और आज हम इस गाड़ी के बैटरी का वोल्टेज चेक करेंगे। ये माइनस टर्मिनल है और ये रेड वाला जो है ये प्लस टर्मिनल है। मेरा नाम रंजन है और मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चक्करपुर में पढ़ती, क्लास 11th है। और आज हम चेक करेंगे कि गाड़ी की ग्रेविटी कितनी अच्छी है बैटरी की। विद्यालय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चक्रपुर गुड़गांव में NSQF स्कीम के तहत ऑटोमोबाइल की एक कोर्स कराए जा रहे हैं और अलग अलग जगह पर उनको प्लेसमेंट दी जा रही है। यहाँ पर बच्चों को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रोजगार के अनेकों अवसर मिलने के लिए बच्चे तैयार किए जा रहे हैं। बच्चों को प्लेसमेंट दी जाती है अच्छी और बच्चे अपनी शिक्षा के साथ साथ रोजगार पर कोर्स करने के बाद आगे बढ़ सकते हैं। बाहर की दुनिया में जब वो निकलते हैं, क्योंकि गुड़गांव में आपको पता है कि मारुति सुजुकी का बहुत बड़े शोरूम्स बने हुए हैं और इसमें उनको बड़ी अच्छे से प्लेसमेंट हो जाती है और बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है और इसके तहत वो बहुत अच्छा काम करते हैं और अपनी अर्निंग भी कर लेते हैं, पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं स्कूल आवर्स के बाद, और यहाँ से निकलने के बाद वो प्रोफेशनल्स के रूप में तैयार हो जाते हैं और अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपना काम भी खोल लेते हैं। नमस्कार, मैं यहाँ पे ऑटोमोबाइल विषय का अध्यापक हूँ। हमारे यहाँ पे बच्चों को बाइक व गाड़ी को रिपेयर करने के बारे में सिखाया जाता है। हम विभिन्न क्षेत्रों में फील्ड विजिट के लिए बच्चों को लेके जाते हैं, जैसे कि
ओडी इंडिया की वर्कशॉप में हम पीछे बच्चों को लेके गए थे, होंडा में भी बच्चों को लेके गए हैं, रॉयल इनफील्ड में भी लेके गए हैं बच्चों को। और इसमें हमारे डिपार्टमेंट ने हमें बहुत ही हेल्प करी है और उन्होंने हर बच्चे को एक एक ऑटोमोबाइल्स की प्रोवाइड करी है और इसी तरह से उन्होंने ब्यूटी वेलनेस में भी टूल किट हर बच्चे के लिए इंडिपेंडेंटली प्रोवाइड करी है। मेरा नाम राज है, मैं 2019 के द्वारा यहाँ से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चक्रपुर से निकला हूँ और मैंने यहाँ पे एनएसक्यूएफ द्वारा 4 साल का एक कोर्स किया था। इस कोर्स करने से मुझे फ़ायदा ये हुआ है कि मैं एक इंडोम इलेक्ट्रिकल्स नामक एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जहाँ पे इलेक्ट्रिक बाइक मैनुफैक्चरिंग होती है, उसमें मुझे एक काफ़ी अच्छा पैकेज लगभग 3.5 लाख रुपये का सालाना एक पैकेज मिल रहा है। इतना अच्छा पैकेज मिलने का कारण ये है कि मैंने यहाँ से जो 4 साल में सीखा वो मुझे काफ़ी वहाँ पे करने में काम करने में आसानी हुई, उन्होंने जिसके कारण वहाँ के जो मालिक हैं उन्होंने खुश होकर मेरी लगभग 6 महीने में मुझे काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिली और मैं काफ़ी खुश हूँ इसके द्वारा। पहले 10th और 12th को ये टूल किट प्रोवाइड करी गई थी और अब ये 9th और 11th के लिए भी प्रोवाइड कर दी गई है एंड आई होप कि इस तरह से सारे बच्चे बहुत कुछ अच्छा सीख लेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Hey,